इसकी चुल मच रही है ना, सबका रूम में जाना है तो ये जा रहा है हनुमान जी के रूम में। आज ही है कल का, देखना ये पूरा वैक्यूम रहेगा, वो पिलो यहाँ पे गिरा हुआ रहेगा। यहाँ से पूरा बोझ हॉस्टल दिखता है एंड हमारी एकेडमिक बिल्डिंग भी देख सकते हो। मेरे को मारे ही। Hello everyone, welcome back to another video. My name is Swadin Lama and I'm a second year MBBS student from Raiganj Government Middle College and Hospital. तो कुछ महीने पहले जब मैंने बॉयज़ हॉस्टल टूर किया था तो कुछ लोग कमेंट्स में लिख रहे थे और मुझे टेक्स्ट भी किए थे कि गर्ल्स हॉस्टल टूर चाहिए। तो आज हम लोग गर्ल्स हॉस्टल टूर करने वाले हैं एंड ऑब्वियसली मैं अंदर नहीं जा सकता, तो माय बैचमेट प्रेमबा विल हेल्प मी विद दैट। एंड आप लोग बिल्कुल कमेंट करके बताना कि आपको कौन सा अच्छा लगा, गर्ल्स हॉस्टल या बॉयज़ हॉस्टल। अब मैं कैमरा प्रेमबा को हैंड ओवर कर देता हूँ, अब सारा कुछ प्रेमबा शूट करेगी। हाई एवरी वन, आई एम प्रेमबा लामा, आई एम अ सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट और आज मैं आपको गर्ल्स हॉस्टल का टूर देने वाली हूँ, सो लेट्स गो। सो ये हम लोग का गर्ल्स हॉस्टल का बिल्डिंग है, 6th फ्लोर का है। हर एक फ्लोर में 15 रूम्स है, तो हम लोग चलते हैं गर्ल्स हॉस्टल का अंदर। यहाँ पे एक कॉमन डस्टबिन है, ये हम लोग का एंट्री डोर है। घुसते राइट साइड हम लोग को इंटरनेट रूम एंड कैंटीन दिखेगा। ये हैंड वॉशिंग एरिया है। और ये हम लोग का कैंटीन है। यहाँ पे हम लोग पानी बैठते हैं। कैंटीन से निकलते ही हम लोग को यहाँ पे विजिटर्स लाउंज दिखेगा। यहाँ पे केयर टेकर का ऑफिस और यहाँ पे रिक्रिएशन रूम और यहाँ पे लिफ्ट। हम लोग चलते हैं अपने रूम के और लिफ्ट से आते ही पहले हम लोग को कॉरिडोर में कपड़े सुखाने के एरिया है और यहाँ पे कॉरिडोर है, ऊपर वाईफाई लगा हुआ है। सो अभी चलते हैं, हम लोग का कॉरिडोर का एंड में वॉशरूम है और यहाँ पे डस्टबिन है और फायर एक्सटिंग्विशर है और यहाँ पे हम लोग का फीमेल टॉयलेट है। यहाँ पे राइट हैंड साइड में हम लोग का वॉश एंड ड्राई रीजन है। यहाँ पे एक वॉशरूम का डस्टबिन है, ये बाथरूम है, और यहाँ पे टॉयलेट्स है। यहाँ पे वॉशबिन है और यहाँ पे मिरर्स। वॉशरूम से निकलते ही यहाँ पे एक इमरजेंसी एग्जिट है स्टेयर। पहले हम लोग फर्स्ट फ्लोर में रहते थे व्हेन वी वर फ्रेशर्स, लेकिन अभी हम लोग को फोर्थ फ्लोर में शिफ्ट कर दिया गया है। लेट्स हेड टुवर्ड्स माय रूम नंबर 405। ये रूम का कुछ ऐसा व्यू होता है। राइट हैंड साइड में हम लोग अपना बकेट्स रखते हैं और यहाँ पे हम लोग कपड़े सुखाते हैं। ऊपर हम लोग
अपना ट्रॉलीज रखते हैं और कुछ बुक्स है ऊपर। ये वाला पोर्शन मेरा रूममेट का है और वो वाला पोर्शन मेरा है। यहाँ पे घुसते ही मेरा रूममेट का अलमीरा है विच इज़ गिवन बाय द गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट विल बी प्रोवाइडिंग अ बेड अ मैट्रेस एंड अ पिलो विथ स्टडी टेबल एंड अ चेयर। ये मेरा रूममेट का पोर्शन है और वो वाला टेबल मेरा है। यहाँ पे एक क्लोथ रैक है जो मैंने और मेरे रूममेट ने मिलके ख़रीदा है। वो मेरा लॉन्ड्री बास्केट है। ये मेरा अलमीरा है, कुछ फ़ोटोज़ लगे हुए हैं और ये मेरा मिनी गार्डन है। नीचे एक एलोवेरा प्लांट है। मेरे रूम से आपको कुछ ऐसा व्यू दिखेगा। और ये पर्दे हमने खुद खरीदे हुए हैं एक्सेप्ट फॉर द पर्पल वंस। यहाँ पे कुछ सामान रखे हुए हमने। यहाँ पे रैक है जहाँ पे हम लोग अपने यूटेंसिल्स और ईटेबल्स स्टोर करते हैं, वाटर बॉटल। और यहाँ पे एक टेबल है जिसको हमने किचन बनाया हुआ है। यहाँ पे ड्रॉयर है जहाँ पे हम लोग अपना मसाला वसाला स्टोर करते हैं खाना बनाने के लिए। यहाँ पे मेरा बॉक्सेस है जो मैं ऑर्डर की थी। और ये मेरा टेबल है और ये फ्लावर है जो सूख गया। ये मेरा स्टडी टेबल, ये मेरा चेयर और ये मेरा बेड, ये मेरा रूममेट का बेड। सो अभी चलते हैं बाहर। सो अभी हम लोग दूसरे साइड जाएंगे और देखेंगे कि बाकी स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं। यह है रूम नंबर 412। यहाँ पे मेरा बैचमेट सोनू और अनुष्का रहती है, तो देखते हैं वो लोग क्या कर रहे हैं। ये अनुष्का है जो पढ़ रही है। क्या पढ़ रही है अनुष्का? कल फार्मा का प्रैक्टिकल है इसलिए। अच्छा, कल इसका फार्मा का प्रैक्टिकल है इसलिए। और उसने अपना बेड को बहुत अच्छे से रखा है। और ये है अनदर यूट्यूबर सीनू यादव। और ये अनुष्का का रूममेट सोनू। क्या हुआ सोनू? माय नेम इज सीनू यादव, अनदर यूट्यूबर फ्रॉम आरजीएमसीएच। क्या कर रही हो? प्रैक्टिकल से पहले, एक दिन पहले किया जाने वाला काम। फाइल बना रहे हैं यार। मेरे रूम का टूर चाहिए। सबसे पहले तो ये मेरी चेयर जो कोई काम नहीं आती है। इसमें हम सिर्फ कपड़े सुखाते हैं, कपड़े भी नहीं सुखाते, कपड़े रखते हैं और बे करते हैं। ये टेबल है, ये एक अच्छी चीज़ है। इसमें ड्रॉवर भी है, ये सब है। इसमें अपना काम की चीज़ रख सकते हैं और इसको पढ़ाई कर सकते हैं। और ये हमारा बेड जिसमें हम सोने के अलावा कुछ नहीं करते। एंड ये है मेरा मिनी किचन जिसको मैंने अभी साफ नहीं रख सकता क्योंकि अभी एग्जाम चल रहे हैं हमारे। एंड ये मेरा फ्रूट्स रखने का या जो भी सब्जी होगी। इधर 200 रुपये किलो टमाटर रखे हुए हैं मेरे बैग में। एंड नीचे भी है सब कुछ, ये दिखा सकते हैं आपको गाइस। और ये है मेरा जिसमें हम ये सब रखते हैं, मसाले वसाले। ये मेरा पूरा किचन का सामान है। एंड ये भी जहाँ पर हम चाय बना सकते हैं, चाय के यहाँ से पूरा बोझ हॉस्टल दिखता है। एंड हमारी एकेडमिक बिल्डिंग भी देख सकते हैं और ये ऑडिटोरियम भी दिखता है यहाँ से। और सुबह सुबह जब
सनराइज होता है ना तो भी वहाँ से अच्छा दिखता है, यहाँ से अच्छा व्यू आता है। अब देख सकते हैं पेड़ वगैरह ये सब कितना अच्छे से रख रखे, एग्जाम चल रहा है फिर भी, क्योंकि हम यही करते हैं और कुछ नहीं करते, और विंडो विंडो ये सब देख लिया आपने। तो चलो प्रेम्बा के साथ हम जा रहे हैं अब दूसरे रूम का रूम टूर करने, एंड प्रेम्बा को छोड़ देते हैं वहाँ पे। चलो चलो हम अपने दूसरे फ्रेंड्स के रूम में जा रहे हैं जो बहुत गंदे, हम बोल नहीं सकते, आपको देख सकते रूम का रूम टूर करेंगे साथ में। तो चलिए चलते हैं 410 बोरी और अंजलि का रूम। गौरी हाय, गौरी पढ़ रही है क्योंकि सबका प्रैक्टिकल एग्जाम्स है, इसका फार्मा का प्रैक्टिकल है, मेरा का पढ़ना तो पड़ेगा यार, तुम नहीं पढ़ रहे, बस अभी आई हूँ यार, इतना भी नहीं कर सकते। और वो अंजलि है, पता है ये हमारे कॉलेज की सबसे पढ़ाकू लड़की है, इससे मिलते ही कम। अंजलि ये क्या करती है, ये जो बोल रहे हो पता है ये सबसे ज्यादा पढ़ती है, और ये है ना और सबसे कम नंबर है ना, और तुम बताओ क्या हाल चाल है, बहुत खराब। ये अंजलि का बेड है, ओ माय गॉड इतना साफ, ये उनका किचन है, आज ही है कल घर देखना, ये पूरा वैक्यूम रहेगा, वो पिलो यहां पे गिरा हुआ रहेगा, और घर के वाले में हंसा सामने सोनू भी होगी साथ में, मैं तो हूं ही यार। और ये गौरी का बेड है इतना साफ, और ये उनका रूम का कुछ ऐसा व्यू है, ये अंजलि का अलमीरा और ये गौरी का अलमीरा। अपने रूम का तो टूर करवा ही दिया, अब ये चल रही है इसकी चुल मच रही है कि है ना सबका रूम में जाना है, तो ये जा रहे हैं हनुमान जी के रूम में। अब उठा ही दिया तो सबको भी उठा देते हैं। हेलो हिमान जी, प्रश्न पढ़ रहे थे, श्री हिमान जी पढ़ रहे थे, रुक रुक गाइस हमारे प्रैक्टिकल चल रहे हैं और हम है ना रूम का रूम टूर दे रहे हैं क्योंकि हमारी पढ़ाई नहीं हो रही है। चलो हम हिमांशी का रूम टूर करते हैं, हिमांशी का रूम को देखते हैं। चलो चलो, हाय हिमांशी, ये हिमांशी का रूम है जो का मस्त रूम है ना, बहुत बड़ा है, वो अकेले रहती है इस वाले रूम में। और ये सीनू यादव जिसको कफ हो रहा है फिर भी इसको रूम टूर करना है, बिल्कुल उसी से हो गया, मैंने आज ही पढ़ा था। मेरा बाल आर्ट है जो मैंने 2 दिन पहले किया है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत सुंदर है, हम लोग के बैचमेट को ज़्यादा ही टैलेंटेड है। ये हिमान जी का करतूते आयरन से वो जला दिया अपना बेडशीट। और ये हिमान जी का रूम इतना साफ सुथरा, मतलब ये रहा हिमान जी का किचन, ये उसका स्टडी टेबल, और हम लोग का गर्ल्स हॉस्टल में बस एक ही मंदिर, वन एंड ओनली मंदिर, और यहाँ पे कुछ सामान रखती है मंदिर के नीचे सामान, और ये है हिमांशी का विंडो का व्यू, वहाँ से एक टपरी दिखती है उसको देख देख के बहुत मजा आता है। अच्छा हो रहा टपरी, गला सूख गया है यूट्यूब कर करके। ये है गौरी टैलेंटेड लड़की, ये देखो छत पे जाने की तैयारी कर रहे हैं हम, गाइस हम जा रहे छत पे, ये देखो मेरा रूम है पर अभी देख ही लिया आप लोगों ने, और ये हमारे कपड़े सुखाने की जगह है, और ये साइकिल्स, ये हमारी लिफ्ट, और ये है प्रेम्बा का रूम जिसका आपने रूम टूर देख लिया होगा। इनका रूम बहुत, पता है हॉस्टल में सबसे अच्छा रूम है इन लोगों का, बहुत मस्त रूम है यार इनका। आजकल तो इन्होंने ये भी लगा लिया है, क्या पता नहीं क्या कहाँ से लेके आते हैं ये लोग, ये कलाकारी करते हैं क्या तुम लोग। चलिए हम लोग छत जाते हैं, आप तो छत का टूर देंगे, सब लोग आ जाओ। हम लोग पता है क्यों जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कोई काम धंधा नहीं, हम विल नहीं इंसान है। सुनने दिखाई मुझको मालूम है कि बुरा तो नहीं लगेगा,
नहीं तो मेरे को मारना, मुझे तो अच्छा लगेगा, मुझे तो अच्छा लगेगा। गाइस हम आ गए 6th फ्लोर पे। देखो अगर हम 6th फ्लोर पे रहते तो कितना मजा आता है ना। क्या ही बोले यार आप, ये छत है हम लोगों का। और यार ऐसे लग रहा है कि है ना सर्दियों के दिन आ गए हैं अभी से। आंखें मुंह धो के देख, धुआं है। धुआं है क्या? चलो आपको दिखाते हैं, ये हमारे हॉस्टल के ये सारे खेत ही खेत दिखते हैं इधर से, तो सब कुछ पूरा खेत दिखता है। और ये हमारा बॉयज हॉस्टल है जिसमें हमें पता नहीं। और ये हमारी एकेडमिक बिल्डिंग है एंड ये हमारा ऑडिटोरियम है एंड इधर बहुत बड़े बड़े खेत हैं जिनमें चावल उगाते हैं लोग। और वो हमारी सबसे चुलबुली बच्ची लड़की है, हमारी कॉलेज की सबसे प्यारी सुंदर कन्या है। मेरे को मारेगी मार के। हाँ तो हमारे कॉलेज के हॉस्टल के भी दो विंग है। और ये हमारे पीछे का व्यू है, सारी तरफ खेत ही खेत है यार। वो मेन रायगंज उधर है, उधर उधर ही हमारा हॉस्पिटल है, शायद दिख रहा होगा, फोग की वजह से नहीं दिख रहा। एंड गाइस यहाँ पे बैठ के अलग ही सुकून मिलता है, इस जगह पे हम बैठते हैं रोज। ये वाली जगह बहुत सुकूनदायक है। एंड एक एक जगह और लेके चलते हैं, ये हम खतरों के खिलाड़ी बनते हुए, और ये और भी ज़्यादा खतरों के खिलाड़ी बनते हुए हम यहाँ पे आ जाते हैं। इस जगह पे बैठ के ना इतना सुकून मिलता है ना, क्या बताएं। एक तो यहाँ से रिवर पास होती है, वहाँ तक जाती है, यहाँ पे बैठ के अलग ही सुकून मिलता है। और यहाँ से कुछ ऐसे फोटोज आते हैं बहुत अच्छे अच्छे। और गाइस ये वेस्ट बंगाल में एक तो बहुत बारिश होता है, है ना? बहुत ज़्यादा। हमारे घर पे तो नहीं होता यार। और वो देखो अलग ही। और उधर हमारा एकेडमिक बिल्डिंग दिख ही रहा है, और इधर टीचर्स क्वार्टर्स भी हैं इधर। इधर से पता है, इधर से ये फोन गिर जाए तो क्या होगा पता है? सब्सक्राइब कर पा रहा, सब्सक्राइब। हमने आपको गर्ल्स हॉस्टल का टूर दे दिया है। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप ये भी बोलिए कि गर्ल्स हॉस्टल का टूर ज्यादा अच्छा था या बॉयज हॉस्टल का। और ये भी बोलो कि सोनू ज्यादा अच्छा ब्लॉग बनाती है। मेरा भी एक चैनल है गाइस, सीनू यादव के नाम से। क्या मैं प्रमोशन एडवर्टाइजमेंट चल रहा है अपना सबका। हम लोग ने आपको गर्ल्स हॉस्टल का टूर दे दिया है, अच्छे से देखिए, बार बार देखिए, और 50 बार देखिए, जितना बार देखना देखिए। व्यूज बढ़ाओ, व्यूज पैसे छापे। बाय गाइस, बाय गाइस, सी यू टुमारो। सब्सक्राइब करना, सी यू टुमारो।